सो वेलकम, किस कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए परमैन मूवी अल्टीमेट गैलेक्टिक वॉर का चैप्टर 2। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे परमैन और बर्डमैन हर छोड़ के चले आते हैं और फिर बर्डमैन उन्हें रास्ते में सारी कहानी बता देते हैं और फिर बाद में उन्हें केन के कुछ चमचों के साथ फाइट भी करने पड़ते हैं, लेकिन परमैन उन्हें आराम से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे केन की परछाई आती है और फिर वो बर्डमैन से कहता है कि इस बार तो वो बच कर गया, लेकिन अगली बार वो नहीं बच पाएगा और अगली बार उसे पकड़ लेगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और तभी सीन चेंज होता है। हम देखते सारे लोग बर्ड प्लान में सेफली उतर जाते हैं और फिर अपना मित्सु बर्डमैन से कुछ पूछता है। बर्डमैन, अभी हम लोग कहाँ जाना होगा? तुम लोग तो फिलहाल अभी हॉस्पिटल चलो, लड़ाई के दौरान तुम लोगों को थोड़ी चोट लग गई थी। और फिर वो लोग एग्री करके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते सारे लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और फिर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग क्योर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर पहले ऐसे नॉर्मल बन जाते हैं। बर्डमैन, अभी हम सब लोग को कहाँ जाना होगा? अभी तुम लोग को हमारे बर्ड प्लैनेट के डिफेंस हेडक्वार्टर की तरफ जाना होगा। और फिर सब लोग उड़कर बर्ड प्लैनेट के डिफेंस हेडक्वार्टर की तरफ चल देते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वो सभी लोग सेफली वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बर्डमैन, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना था तुम पे केन ने अटैक किया, अब तुम कैसे हो? जी हाँ चीफ, मैं ठीक हूँ। अब मैं अपने साथ परमैन टीम भी लेकर आया हूँ। वर्ल्ड के परमैन से बहुत अच्छे ताकतवर भी है। क्या कहा? अर्थ के परमैंस? अरे तुम उनसे अच्छा प्लैनेट 006 के परमैंस को भी ला सकते थे। वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पीड और उनमें ताकत भी इनसे ज़्यादा है। तुम उनको ही ला सकते थे? जी हाँ चीफ, वो परमैन टीम इनसे ज़्यादा तेज और ताकतवर ज़रूर है, लेकिन ये परमैन टीम बस एक टीम नहीं है, एक परिवार है जो हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद हमेशा करती है। मुझे इन पर पूरा विश्वास है। आप भी प्लीज़ इन परमैंस पर विश्वास कीजिए, ये हमें ज़रूर कामयाबी दिलाएंगे। ठीक है बर्डमैन, अगर तुम कहते हो तो मुझे इन पे पूरा विश्वास है। और तभी वहाँ पे कुछ होता है। अरे बर्डमैन, ये कैसी आवाज थी? अभी क्या हुआ था? अरे नहीं, ये तो वार्निंग अलार्म थी। अभी अभी मैसेज आया कि डायमेंशन 1 में केन ने अटैक कर दिया और वहाँ के बर्डमैन को पकड़ लिया गया है। अब हम क्या करेंगे? उन लोगों को कैसे बचाएंगे? तो हमें जल्दी वहाँ पर जाकर उन लोगों को बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई ट्रैवल नहीं है जिससे हम उनसे बचा सकें। मतलब हम लोगों को नहीं बचा सकते? कुछ तो रास्ता होगा। शायद एक रास्ता है। पुरानी कहानी के हिसाब से पुराने लोगों ने एक ऐसा स्टोन बनाया था जिससे लोग एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आ जा सकते हैं बड़ी आसानी से। उससे हम शायद जा सकते हैं। तो चीफ, जल्दी बताइए वो हमें कहाँ मिलेगा? हमें वहाँ पर जल्दी जल्द जाना होगा। यही तो मुसीबत है, ये हमें इससे किसी को नहीं पता कि वो स्टोन कहाँ पर छुपाया गया है। एक मिनट, शायद मुझे पता है। मैंने किसी से सुना था कि पार्क के पीछे जंगलों के पीछे मास्टर रहते जिन्हें शायद पता है कि वो स्टोन कहाँ मिलेगा और हमें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो बर्डमैन, बिना किसी देरी के वहाँ पर चलते ना, हमें वहाँ पर जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन एक मुसीबत है, वो मास्टर अनजान लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करते और उनसे मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अनजान लोगों से। तो बर्डमैन, हमें एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी यूनिवर्स खतरे में। हाँ तुम ठीक कहते हो, हमें एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इतने जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ऑल द बेस्ट बर्डमैन, वहाँ पर जाओ और अपनी पूरी जान लगा देना और मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारी टीम को बुरा भला कहा। तुम्हारी टीम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हिम्मत वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीफ, आपने मुझे और मेरी टीम को समझा, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते वो सभी लोग वहाँ से उड़कर चले आते हैं मास्टर के घर जाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते वो चले आते हरे 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 जंगलों के पार और नीले नीले आसमान के ऊपर से। और फिर हम देखते वो सभी लोग मास्टर के घर के बाहर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते कि वहाँ पर मास्टर थे ही नहीं। तो मुझसे बोलते हैं तो चलो ना कहीं और चल के खोजते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि मास्टर तो एक झील के किनारे अकेले खड़े थे, अकेले कुछ सोच रहे थे। और तभी परमैन से उनके पास जाके मित्सु पूछते हैं, मास्टर मैं परमैन हूँ,
हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हमें बता दीजिए वो स्टोन हमें कहाँ मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, अभी फ़ौरन निकल जाओ। बच्चों मैंने बोला था ना ये हमसे बात नहीं करेंगे, प्लीज़ वहाँ से हमें बताइए। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करनी, चले जाओ। और फिर मित्सुओ थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, आपको तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, केन आ गया है, वो दूसरे डायमेंशन में अटैक कर रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और आप यहाँ पे खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहे, हमें हमारी मदद भी तो कीजिए कम से कम। क्या कहा, केन आ गया, मतलब वो भविष्यवाणी सच होने वाली है? अरे नहीं, बहुत बुरा होने वाला है। क्या कहा, कौन सी भविष्यवाणी, कैसी भविष्यवाणी, हमें तो बताइए। तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। और तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर उन्हीं उन सभी को एक गुफा के बाहर ले आते हैं, और फिर वो लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं और फिर सारी कहानी बताते हैं। तो सुनो, हमारी पुरानी कहानी के हिसाब से जब राक्षस के देवता केन जागेंगे और पूरी यूनिवर्स से अपना कब्जा करना चाहेंगे, तब एक मिस्टीरियस परमैन उस मिस्टीरियस शक्ति को हासिल करेगा और फिर शक्ति की मदद से उस केन को हराएगा और पूरी यूनिवर्स को बचा लेगा। क्या कहा, अनोखी शक्ति, कैसी शक्ति मास्टर, हमें बताइए तो। उस शक्ति का नाम है यूनिफोर्स, वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। तो मास्टर हमें वो मिस्टीरियस परमैन कहाँ मिलेगा, हमें जल्दी बताइए ना प्लीज़। देखो इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ वक्त आने पर ज़रूर पता चल जाएगा। और फिर सी चेंज होता है, हम देखते सारे लोग मास्टर के घर के सामने आ जाते हैं और तभी ब्रह्मैन के कॉल आता है। एक बच्चों मुझे अभी जाना होगा, मुझे अभी इमरजेंसी कॉल आई, मुझे वहीं पे अभी जाना होगा, मुझे अभी बुलाया गया है, तो तुम यहाँ पे अपनी पूरी मेहनत और लगन दे देना, ठीक है। मास्टर हमें प्लीज़ जल्दी बताइए कि हमें वो स्टोन कहाँ मिलेगा, हमें इसे जल्दी लेके दूसरे डायमेंशन में जाना होगा। हाँ तुम उस स्टोन को लेके क्या करोगे बताओ तो, हम उसे लेंगे और दूसरे डायमेंशन में जाके दूसरे लोगों की मदद करेंगे, केन से बचाएंगे। फिर मास्टर थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है डायमेंशन में ट्रेवल करना इतना आसान है, बस स्टोन डोर पहुँच जाओगे, तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी, और हाँ फोकस 100% होना पड़ेगा, अगर ज़रा सा फोकस हटा तो तुम्हारे टुकड़े हो सकते हैं या फिर तुम कोई और जगह पहुँच सकते हो। तुम्हें फिर से लगता है कि इतना आसान है डायमेंशन में ट्रेवल करना? तो इससे परमैंस और उनके साथी थोड़े डर जाते हैं। मास्टर तो क्या हम उनको नहीं बचा सकते, उन सभी को हम ऐसे ही छोड़ दे, उनको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं क्या? हाँ एक रास्ता है, तुम वहाँ पे जा सकते हो लेकिन एक स्पेशल ट्रेनिंग के बाद, वो स्पेशल ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगा। कैसी स्पेशल ट्रेनिंग मास्टर, जल्दी बताइए। वो स्पेशल ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगा, वो बहुत मुश्किल स्पेशल ट्रेनिंग होगी, तुम तैयार हो? हाँ मास्टर चलो शुरू करते हैं स्पेशल ट्रेनिंग, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन वो स्पेशल ट्रेनिंग कल से होगी, अभी तुम थके हुए, अभी तुम नहीं कर पाओगे। तो इससे परमैंस और उनकी टीम एग्री कर लेते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं, ठीक है तो परमैंस मुझे यहाँ पे जाने का समय हो गया, तो तुम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करना, दिल लगाए करना। और फिर हम देखते हैं बर्डमैन वहाँ से उड़कर चल देते अपने सेंटर के ओर। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में परमैंस की एकदम स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होने वाले हैं कड़ी टक्कर के साथ। तो दोस्तों चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको चाहिए कि नहीं।